Hello students, in the earlier class we have started the topic of demand. As you know, we have discussed the concept of demand, individual demand, market demand, and we have also discussed the demand curve, individual demand curve, market demand curve. Today, in today's class, we will discuss determinants of demand or factors affecting demand. Determinants of demand or factors affecting demand that are also collectively also known as demand function. What is demand function? Function PX, PR, Y, PE. These are the five factors which can affect the demand, which can decide the demand, which can change the demand. ये पांच ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिमांड को चेंज कर सकते हैं. अब चेंज से मतलब या तो डिमांड को इंक्रीज कर देंगे या डिक्रीज कर देंगे, दो ही चेंज हो सकते हैं, इसके अलावा चेंज नहीं हो सकता. देर आर नो अदर चेंजेस अदर देन इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड. इधर डिमांड विल इंक्रीज और डिमांड विल डिक्रीज. ओके, सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग द फैक्टर्स अफेक्टिंग और द डिमांड फंक्शन. First factor is PX, that is own price. Own price is also short form PX, is also known as PX. We have discussed this factor already. What is the relation between PX and demand? Own price or demand ke beech mein kaisa relationship hai? Inverse relationship, negative relationship hai. Agar hamare product ki price badh jayegi, to hamare product ki demand kam ho jayegi. प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ गई तो डिमांड क्या हो गई? कम. इनवर्स रिलेशनशिप, नेगेटिव. लेकिन अगर हमारे प्रोडक्ट की प्राइस कम हो गई तो हमारी डिमांड बढ़ जाएगी. अगर हमारा प्रोडक्ट सस्ता हो गया, अगर हमने उसकी प्राइस कम कर दी तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी. दिस इज द सिंपल रिलेशनशिप बिटवीन ओन प्राइस एंड डिमांड. प्राइस एंड डिमांड, प्राइस पहले डिमांड बाद में. ये सिंपल सा एक रिलेशनशिप है प्राइस और डिमांड का. ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है. इनवर्स रिलेशनशिप, नेगेटिव रिलेशनशिप भी इसे बोलते हैं. नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट द फैक्टर व्हिच अफेक्ट द डिमांड इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. पीआर, इन शॉर्ट फॉर्म इट इज नोन एज पीआर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. किसी और की प्राइस चेंज होगी और हमारी डिमांड पे असर आएगा. हमारी प्राइस चेंज होने से हमारी डिमांड पे क्या असर आता है वो तो हम यहां देख चुके हैं. लेकिन किसी और की प्राइस चेंज होने से क्या हमारी डिमांड पे असर आ सकता है क्या? द आंसर इज यस. कैसे आ सकता है देखिए. चलिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिलेटेड गुड्स. रिलेटेड गुड्स जो हैं इसमें हम दो कैटेगरी पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स की, एक पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की. आज पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में. चलिए, सब्स्टिट्यूट गुड्स पहले समझते हैं. सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं? Substitute goods are those goods which can be exchanged for one another, which can be exchanged for one another, which can be used in place of another. किसी और के replacement, किसी और की जगह अगर हम उसे goods good को use कर पा रहे हैं तो इसका मतलब वो उसका substitute है. ये good नहीं तो कोई दूसरा good चलिए, अगर ऐसा हम कर पा रहे हैं तो वो substitute goods हैं, ठीक है. बहुत कॉमनली अवेलेबल है सब्स्टिट्यूट गुड्स. ज़्यादातर प्रोडक्ट्स जो हम यूज़ कर रहे हैं वो सब सब्स्टिट्यूट गुड्स के एग्जांपल हैं, ठीक है. फॉर एग्जांपल हमारा सोप जिससे हम नहाते हैं, ठीक है. वेरियस टाइप्स ऑफ सोप्स आ गए, लक्स है, सिंथॉल है, ठीक है, पियर्स है, डव है, अलग अलग तरह के सोप्स आ रहे हैं, सोप आ रहे हैं. तो एक सोप नहीं तो कोई दूसरा सोप सही, और कोई दूसरा नहीं तो कोई तीसरा सही. ऐसे इनके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं. क्लियर? टी कॉफी सब्स्टिट्यूट के एग्जांपल है. टी नहीं तो कॉफी सही, हॉट ड्रिंक्स है दोनों. पेप्सी कोक, पेप्सी नहीं तो कोक, कोक नहीं तो पेप्सी, ठीक है. अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे लोग सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, किसी भी रीजन की वजह से सारे लोग सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ठीक है. कुछ लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे नहीं हमें तो पेप्सी ही पीनी है, चाहे इसका स्वाद बिगड़ जाए, चाहे इसका स्वाद, चाहे ज़्यादा मीठी हो जाए, कम मीठी हो जाए, महंगी हो जाए, सस्ती हो जाए, ठीक है. शाहरुख खान ऐड करे, रणवीर सिंह ऐड करे, कोई भी करे, ठीक है, कोई भी फैक्टर हो, कुछ भी हो, हम तो इस पेप्सी ही यूज़ करेंगे, ठीक है. कुछ लोग ऐसे होते हैं तो हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं.
हम यहाँ पे ठीक है दूसरे लोगों की बात करेंगे जो इतने एडमिट हैं जिनकी ये हैबिट है कि हम पेप्सी ही पियेंगे, हम उनकी बात नहीं करेंगे, हम उनको लेटर पार्ट में डिस्कस करेंगे जब आगे चलेंगे कि उन लोगों के साथ क्या करना है ठीक है, या वो लोग कैसे डिमांड को अफेक्ट करेंगे। चलिए आज बात कर रहे हैं प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स की, कि ये जो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं इनकी प्राइस चेंज होने पे कुछ असर हमारी डिमांड पे कुछ असर आ सकते हैं क्या, हमारी प्राइस चेंज नहीं करेंगे, हमारी प्राइस वही रखेंगे। चलिए आइए देखते हैं क्या है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स, दो सब्स्टिट्यूट गुड्स मैंने यहाँ लिए हैं, एक कोलगेट लिया है, एक पेप्सोडेंट लिया है। ठीक है, एक कोलगेट है, एक पेप्सोडेंट है, तो ये दो सब्स्टिट्यूट गुड्स हमने लिए हैं। ठीक है, दोनों ही सब्स्टिट्यूट है, कोलगेट नहीं तो पेप्सोडेंट चाहिए, पेप्सोडेंट नहीं तो कोलगेट चाहिए, दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम खुद को मान लेते हैं कि हम क्या हैं, हम कोलगेट के सेलर हैं या हम कोलगेट के प्रोड्यूसर हैं, हम कोलगेट के सेलर या प्रोड्यूसर हैं। ठीक है, हम वो मान लेते हैं, तो सोचते हैं कि हमारी डिमांड पे कैसे असर आने वाला है, कंज्यूमर कब हमें खरीदेगा, कब हमें नहीं खरीदेगा, या कब ज़्यादा खरीदेगा, कब खरीदेगा, ये कंज्यूमर का माइंड हमें रीड करना है, कंज्यूमर बिहेवियर हमें पढ़ना है। चलिए आइए देखते हैं। अर्लियर यानी कि पहले मान लीजिए हम भी 10 रुपये का बेच रहे थे, पेप्सोडेंट भी हमारा कॉम्पिटिटर, हमारा सब्स्टिट्यूट भी 10 रुपये का ही जो है टूथपेस्ट बेच रहा था, दोनों हम 10-10 रुपये में बेच रहे थे, तो कुछ लोग हमें खरीद रहे थे, कुछ लोग उसे खरीद रहे थे। चलिए अब क्या हुआ है, किसी और की प्राइस चेंज करते हैं, हमारी प्राइस भी वही है। नाव में मैंने लिखा है कि हमारी प्राइस पहले भी 10 थी, अभी भी 10 है, हमने हमारी प्राइस चेंज नहीं की है। प्राइस चेंज हुई किसकी, हमारे सब्स्टिट्यूट की, हमारे कॉम्पिटिटर की। हमारा कॉम्पिटिटर क्या हो गया है, सस्ता हो गया है, 5 रुपये का हो गया है। तो अब बताइए जरा क्या होगा, अब कुछ लोग ठीक है हमसे शिफ्ट होके कहाँ चले जाएंगे, हमारे सब्स्टिट्यूट पे चले जाएंगे, ऑब्वियसली बात है सस्ते पे चले जाएंगे, तो हमारी डिमांड क्या हो गई कम। प्राइस चेंज नहीं हुई फिर भी हमारी डिमांड कम हो गई, प्राइस चेंज नहीं हुई फिर भी हमारी डिमांड कम हुई, खुद की प्राइस पे तो रिलेशन हमने यहाँ पढ़ लिया। अब बिना प्राइस चेंज हुए देखिए और अदर फैक्टर्स वर्क कर रहे हैं, अदर फैक्टर्स जो हैं वो वर्क कर रहे हैं, तो बिना प्राइस चेंज हुए हमारी डिमांड कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमारा सब्स्टिट्यूट, हमारा कॉम्पिटिटर जो है वो सस्ता हो गया है। ठीक है, तो डिमांड ऑफ कोलगेट डिक्रीजेस, वी आर विल डिक्रीज बिकॉज प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट हैज डिक्रीज, क्योंकि सब्स्टिट्यूट सस्ता हो गया है तो लोग उसको खरीदना पसंद करेंगे, हमको खरीदना पसंद नहीं करेंगे। बहुत ही ऑब्वियस, बहुत ही कॉमन सा फिनोमेना है। ठीक है, अब मान लीजिए इसको अगर मैं चेंज करूँ, इसको 10 की जगह पर 15 कर दूँ, सॉरी 5 की जगह पर 15 कर दूँ, कि पेप्सोडेंट यानी कि हमारा सब्स्टिट्यूट महंगा हो गया। ठीक है, हमारा सब्स्टिट्यूट महंगा हो गया, रिवर्स कर दिया हमने, तो क्या होगा, तो उस केस के अंदर क्या होगा कि पेप्सोडेंट के से शिफ्ट होकर लोग हमारे पास में आ जाएंगे, क्योंकि वो महंगा हो गया, लोग उसे नहीं खरीदेंगे, अब किसे खरीदने लग जाएंगे, हमें खरीदने लग जाएंगे, तो हमारी डिमांड, कोलगेट की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, रिवर्स हो जाएगा, ये एक्सप्लेनेशन जो है पूरा रिवर्स हो जाएगा। तो देखिए हमने क्या देखा कि प्राइस किसी और की चेंज हो रही है, पहले कोलगेट, पहले पेप्सोडेंट सस्ता हो रहा था, महंगा हो रहा है, तो प्राइस किसी और की चेंज हो रही है, उससे असर हमारी डिमांड पे आ रहा है, हमारी डिमांड पहले कम हो रही थी फिर बाद में बढ़ रही है, क्योंकि पेप्सोडेंट की प्राइस चेंज हो रही है, सब्स्टिट्यूट की प्राइस चेंज हो रही है, कॉम्पिटिटर की प्राइस चेंज हो रही है। यही है हमारा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड का पहला पार्ट, सब्स्टिट्यूट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी देखेंगे लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में। क्लियर, आज हमने इतना ही किया है। ठीक है, सिंपल से एग्जांपल लेके आपको सब्स्टिट्यूट गुड्स समझाया, इतना ही आज हम करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।